गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 9 का यूनिट 3 का रीडिंग सी आयुर्वेदा, है ना। तो आयुर्वेदा में क्या बताया गया है, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है कि हमारे जो आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं, आयुर्वेद से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदा का जो लेसन पार्ट का सारांश। सुमन वॉज वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग, क्या बता रहे हैं कि सुमन उस सुबह बहुत ही खुश थी, है ना। सी हैड राइटली रिकॉग्नाइज्ड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हर्ब दैट हर ग्रैंड मदर वॉन्टेड हर टू ब्रिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि, है ना, जो जड़ी बूटियां होती हैं, है ना, वो उसको सुमन पहचान चुकी थी, जो उसकी दादी माँ ने उसको बताया था। दादी हैड मैनी लिटिल पैक्स ऑफ द बैकयार्ड वेयर विल्ड हर्ब वेयर केयर्ड फॉर। तो आगे है, दादी माँ के कई छोटे छोटे, है ना, जो दादी माँ ने पौधे लगाए थे आंगन में, वो था जहाँ जंगली जड़ी बूटियों की देखरेख की जाती थी। देयर वेयर लिकोपोडियम भृंगराज एंड एलोवेरा, सी लाइक्ड द नेम्स एंड वांटेड टू सी हाउ दादी प्रिपेयर्ड मेडिसिन फ्रॉम द हर्ब। तो जहाँ पर क्या क्या जड़ी बूटी लगाई थी वो उसकी दादी माँ, वहाँ लाइकोपेडियम भृंगराज और एलोवेरा थे। वह नामों को पसंद करती थी और देखना चाहती थी कि दादी माँ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ कैसे तैयार करती थी। तो जो सुमन है वो अपने दादी माँ से दवाई बनाने का जो कला सीख रही थी। दादी वी ईट सो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बट हाउ टू बिल्ड प्लांट्स मैक मेडिसिन वेन सम पीपल से दे आर पाइजन्स। तो जो सुमन है वो अपनी दादी से बोलती है कि हम बहुत से प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं किंतु जंगली पौधों से दवाइयां कैसे बनती है करके, है ना। जब कुछ लोग कहते हैं कि वे जहरीले होते हैं, सही बात है, जो जंगली पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो कुछ कुछ जहर पाइजन्स भी होती है, यानी कि उसमें जहरीले होते हैं वो, है ना। आल प्लांट्स हैव सम स्पेशल फ्यूचर्स, आल प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स एंड मेडिसिन साइंस और द क्योर ऑफ मैनी क्रोनिक डिसीज टू द प्लांट किंगडम। सभी पौधों में कुछ विशेष गुण होते हैं और चिकित्सा विज्ञान बहुत सी पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए, है ना, पेड़ पौधों की ही ऋणी है, देनदार, मतलब पेड़ पौधे से ही क्या है, बहुत पेड़ पौधे से जो बने दवाइयाँ होती हैं, है ना, वो बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती हैं, बोल रहे हैं उसकी जो दादी माँ है वो। नेचर ओपन्स इट्सेल्फ टू आयुर्वेदा विथ ए क्योर टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो प्राकृतिक स्वयं, है ना, जो प्राकृतिक होती है वे स्वयं रासायनिक और जैविक असंतुलन को उपचारित करने हेतु आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद है उसको प्रदान करता है, है ना। दादी हैव यू स्टडीड ऑल अबाउट आयुर्वेदा, सुमन आज का। तो सुमन ने पूछा दादी माँ से कि दादी क्या आपने आयुर्वेदा के बारे में सब कुछ पढ़ा है क्या करके, है ना। तो दादी बोलती हैं आई विल हैव टू स्टडी द होल ऑफ आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ, आई हैव ओनली लर्न ए लिटिल टिल नाउ। तो दादी माँ बोलती है मैंने अपने पूरे जीवन में संपूर्ण आयुर्वेदा का अध्ययन कर पाया है लेकिन अब तक केवल थोड़ा ही सीख पाई हूँ। तो दादी माँ बोलती है कि मैं अपनी जीवन भर आयुर्वेद का अध्ययन करती रही लेकिन कुछ कुछ ही सीख पाई हूँ आयुर्वेद के बारे में। सही बात है, आयुर्वेद की बुक है ना, वो इतना लंबा है कि उसको जितना भी पढ़ो उतना कम है। तो जो दादी माँ है वो बता रही है आयुर्वेद की जो पुस्तक है उसके बारे में। विल यू टेल मी समथिंग अबाउट इट, सुमन आस्का क्यूरियसली। तो सुमन ने उत्सुकता पूर्वक कहा कि क्या आप मुझे इस बारे में थोड़ा बताएंगे क्या करके। तो दादी माँ आगे क्या कहती है देखते हैं। देयर आर सेवरल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, दिस मेनली इंक्लूड
एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, है ना। तो आगे क्या है, उसकी दादी माँ क्या बता रही है कि दुनिया में दवाइयों की बहुत सी पद्धतियाँ हैं, इनमें मुख्यतः शामिल है एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। तो दवाइयों के तीन प्रकार होते हैं बता रही है दादी माँ, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, है ना। तो आगे क्या दादी माँ बोल रही है कि एलोपैथी इज टुडे द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो एलोपैथी है वो आज के ज़माने में, है ना, दवाइयों का प्रयोग करके शारीरिक तरीके से इलाज की सबसे प्रमुख पद्धति है। मतलब जो भी हम आज इलाज कराते हैं वो एलोपैथी के माध्यम से होता है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं वो एलोपैथी के अंतर्गत आती है, है ना। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ लाइक क्योर्स, लाइक वेयर बाय ए सब्सटेंस द दैट काउज द सिम्टम्स ऑफ ए डिसीज इन हेल्थी पीपल विल क्योर सिमिलरली सिम्टम्स इन हिज पीपल। आयुर्वेदा इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। वेन ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। द संस्कृत रूट अयर मीन्स लॉन्गविटी और लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। तो होम्योपैथी समान उपचार समान सिद्धांत पर आधारित है, जहां पदार्थ को स्वस्थ शरीर में रोग के लक्षण के कारण है बीमार व्यक्ति में समान लक्षणों द्वारा उपचारित होगा। आयुर्वेद प्राकृतिक और पवित्र दवाइयों की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है। जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, संस्कृत में आयुर का अर्थ है दीर्घायु या जीवन और वेद का अर्थ विज्ञान। तो यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में जो दादी है वो सुमन से बता रही है, है ना। तो स्टूडेंट आगे का जो है अध्याय वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।